एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या है यार, जो चीजें आपने यहां पर कैथोड रे में पढ़ी थी ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। इस बार क्या हो जाएगा, इस बार जो आपका ये डिस्चार्ज स्ट्रक्चर है, इसको मैं बना देती हूँ। यहाँ पे अगेन वैक्यूम होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये मेरा वैक्यूम पंप है, राइट। आगे क्या है, हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, दैट ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि इस बार ये आपकी एनोड है और ये आपकी कैथोड है। इस बार क्या किया, स्क्रीन रख दी यहाँ पर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिख दो फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। अरे मैम की स्पेलिंग स्क्रीन की, ठीक है, परफेक्ट। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, दैट वैक्यूम पंप कर दिया, ये कर दिया। अब जब आप हाई वोल्टेज दोगे, तो लेट अस से कि H2 आयनाइज हुआ, तो H2 आयनाइज होगा H2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर, है ना। तो जब H2 प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगा, तो आपको पता था कि मैम इलेक्ट्रॉन तो इस साइड जाएगा, राइट। नहीं, इस बार उल्टा होगा ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जाएगा, इसको मैं छोटा लिखती हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ जाएगा। लेकिन जब आयनाइज होगा तो ये भी तो जाएगा ना कहीं, ये कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। तो यानी कि जो H2 प्लस है वो बच्चा कैथोड की तरफ जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली अगर आपका O2 गैस आयनाइज होती तो O2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन होता, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो इस बार भी यहीं जाता, लेकिन O2 गैस कहाँ जाती, इस साइड जाती, राइट। सिमिलरली CO2 होता तो वही बात थी, CO2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाता, CO2 प्लस इस साइड जाता, राइट। सेम एक्सपेरिमेंट किया, चार्ज तो ये भी है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर लाइट तो यहाँ पर भी आएगी, स्पार्क तो यहाँ भी डेवलप होगा। तो अब उसने क्या कहा कि क्योंकि ये पॉजिटिव चीजें जो थी ये इस साइड जा रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया एनोड रेस। क्या नाम दे दिया, एनोड रेस नाम दे दिया। अब मुझे सेकंड चीज बताओ कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या ये डिफ्लेक्ट होंगे, चार्ज पार्टिकल तो अभी भी है ना, तो यस ये डिफ्लेक्ट होंगे बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ दैट यस इट विल बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, चलो परफेक्ट। तो ये डिफ्लेक्ट होंगे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और सोचते हैं अगर आप अलग अलग गैसेस लेते हो, जैसे एक बार आपने H2 गैस ली और एक बार आपने O2 गैस ली, तो जो आपका E/M रेशियो है क्या वो चेंज होगा या सेम रहेगा। चार्ज तो चलो एक बार को कह दिया सेम रहेगा, पर मास तो हर बार अलग होगा ना, H2 के लिए अलग मास होगा, O2 के लिए अलग मास होगा, यानी कि हम क्या कहेंगे दैट इस बार E/M रेशियो जो होता है वो चेंज होता है। अगर E/M रेशियो चेंज हो रहा है तो यानी कि यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ दैट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट हियर, यस। तो यानी कि एनोड रेज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, राइट। तो वो नेचर ऑफ द गैस पे, जो भी नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट होती है उस पर डिपेंड करती है। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कि नहीं, बिल्कुल मूव करेगा यार, स्ट्रेट लाइन में यही मूव करेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, ठीक है, चलो। यानी कि यहाँ से मुझे चीजें क्लियर हो चुकी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बिल्कुल उसी की तरह से इस बार डिफरेंट एनालाइज किया और हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, राइट। तो ये होता है आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब आपको मैम क्या करेंगी, सारे के सारे पॉइंट्स लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना है, ये लिखना है, और
इनको लिखना है तो लिख लो, बट प्रॉपर मैं डिक्टेट करके भी आपको लिखवाने वाली हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो यार अब मैम आपको डिक्टेट करवा देती हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है दैट दे आर डिफ्लेक्टेड, फर्स्ट पॉइंट से ही शुरू करते हैं। These rays travel from cathode to anode, from anode to cathode, है ना? तो these rays travel from anode to cathode, so these are called as anode rays. So these are called as anode rays. ठीक है? When these rays सेकेंड पॉइंट बोल रही हूँ, when these rays are passed through इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, they get deflected as they are positively charged, या फिर लिख लो as they are charged, क्योंकि charged है, reason वो है, positive negative से फर्क नहीं पड़ रहा है, right? तो these rays are deflected in the presence of electric field and magnetic field. Perfect. Chalo. Next point likho. The E by M ratio for anode rays is not constant. It changes with the gases present in the discharge tube. Clear है? Perfect. Third point हो चुका है. Fourth लिखते हैं. Fourth कहता है that it depends on the nature of the gas. It depends on the nature of the gas present in the discharge tube. Right? Perfect. अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ये तीन, इस पॉइंट के बाद में आप इन तीन चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है? Perfect. Fifth, they move in straight line in the absence of electric and magnetic field. So they move in a straight line in absence of electric and magnetic fields. Clear है? तो यार यहाँ पर हमारा anode ray experiment भी खत्म हो गया।